हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त 1947 को भारत पहली बार आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। आज 14 अगस्त 2021 है, कल स्वतंत्रता दिवस है। एक दिन पूर्व मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो छात्र इतिहास विषय में रुचि रखते हैं या जो इतिहास की ज्ञाता हैं, उनको मालूम है कि भारत पहली बार स्वतंत्र हुआ है। आप इतिहास की किताबें उठाकर देखिए, टैक्स के पन्ने खोलकर देखिए, क्या देखेंगे आप? कि मध्य एशिया के आर्यों का आगमन हुआ। मध्य एशिया के आर्यों का आगमन नहीं हुआ था, मध्य एशिया के आर्यों ने आक्रमण किया था और हिंदुओं को दक्षिण की तरफ खदेड़ दिया था। इसलिए आज भी दक्षिण भारत में संस्कृत हिंदी नहीं बोली जाती, आज भी उनका विरोध किया जाता है। सबसे पहले मध्य एशिया के आर्यों ने आक्रमण किया, उसके बाद सेंट्रल एशिया की लड़ाकू जातियों ने आक्रमण किया, उसके बाद हूणों ने आक्रमण किया, उसके बाद मुगलों ने आक्रमण किया, उसके बाद अंग्रेजों ने आक्रमण किया। 15 अगस्त 1947 को पहली बार भारत को आजादी प्राप्त हुई है और इस आजादी का पूरा श्रेय जो है वो महात्मा गांधी को जाता है। आज हम आजाद हैं, 15 अगस्त 2021 देखने वाले हैं तो उसका श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है, जिन्होंने ऐसा मजबूत संविधान बनाया। जब संविधान बन रहा था उस समय लोगों ने विरोध किया कि इतना लंबा संविधान बनाने की क्या हो सकता है, संक्षिप्त में संविधान बना दीजिए, बाकी सबको मौखिक कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनकी बात नहीं मानी और एक लंबा चौड़ा मजबूत संविधान लिखकर हमें दिया। आज प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि उदार का थैला किस राष्ट्र के संविधान को कहा जाता है। आज संविधान की क्या स्थिति हो गई है कि उसे उदार का थैला नाम से संबोधित किया जा रहा है। शर्मानी चाहिए ऐसे लोगों को जो संविधान के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टा सीधा भड़काते हैं। आज संविधान ही है जिसकी वजह से हम आजादी का दिन देखेंगे। एक विचारक ने तो यहां तक कह दिया था कि भारत की आजादी 100 वर्ष की नहीं है, 100 वर्ष के अंदर अंदर भारत गुलाम बन जाएगा। आज भी हम देख रहे हैं कि भारत संकीर्ण हिंदू विचारधारा पर चल रहा है। जातिवाद, भेदभाव, नस्लवाद, ऊंच नीच, छुआछूत ये बढ़ती ही जा रही है, क्षेत्रवाद की समस्या बढ़ती जा रही है। तो वो दिन दूर नहीं जब हम गुलामी का दिन देखेंगे। तो ऐसे दिन देखने से पहले ऐसी सरकार का विरोध कीजिए, संगठन बनाइए और अच्छी सरकार चुनिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।